मिजाजी मौसम बदला, ख्याले इश्क बदला, थोड़ा वो दौर बदला, थोड़ा कुछ और बदला। लेट आने में ना आपके पापा ने पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिलके उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ टाइसेस करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची? मम्मा बाय। सर सर टीचर। साईशा। पापा। आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। क्या दिल फिर मिलेंगे मौसम बहार में, गुम है किसी के प्यार में। सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। रे अर्जु बिनरी, अरे तुम्हारी बात क्यों को नहीं माने? बाबू आप हमारे साथ दुबई जा रही है तो मतलब जा रही है बस। रे मैं कठे को नहीं जाऊँ। बाबू आप बच्चों की तरह जिंद क्यों कर रही है? हमने आपकी हमेशा हर बात मानी है, अब आपकी बारी। आप और बाबा साहब हमारे साथ जा रहे हैं तो मतलब जा रहे हैं। 4-5 महीने की तो बात है, उसके बाद तो लौट ही आएंगे ना हम लोग। अरे अर्जुन बिंद्री, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। देख बेटा, जब से सिंगापुर से आया हूँ ना, तुम्हारे पासपोर्ट को जैसे किसी की नजर ही लग गई। अरे बटे अपना बेटा है, दुबई में घूमेंगे फिरेंगे, बटे तो हमारा जाना बनता है ना। हो गया। आप इस आपके बारे में तू मुँह मैं घूमने फिरने के लिए ना प्रताप जी उम्र हो गए, या काला चश्मा लगा कर ना कट्ठे को नहीं घूम लो। अठे घर परिवार में सब लोग काम धंधा करे हैं, घर कौन संभालेगो? संतोष तू क्या चिंता कर रही है, घर कौन संभालेगो, घर कौन संभालेगो? संध्या बिंद्री ने और रसोई की भी डिग्री ली है। दोनों बिंद्रिया आपस में घर चलाएंगी मस्त। एक बात तो थारे को माननी पड़ेगी संतोष, कि थारे बिना भी अब जे घर चले है। क्यों आ गई बिंद्री? चलो मान लिया मैंने कि हमारे बिना ना घर चल सके है, पर भी बात को के हा? सूरज ने घाट आरती पर जो अपना नाम लिखवाया है, पहली बार माता ने न्योता दिया है, उसे कैसे छोड़ सको? नाना मैं दुबई को नहीं जा सकूं, बस। बाबू हमारे पास उसका भी इलाज है, आपको घाट आरती में शामिल होना है ना। हाँ बाबू आप आराम से मन से आरती कीजिए, हम तो शनिवार को जा रहे हैं। हमने छोटू से सब बात कर ली है, हमने आपके हिसाब से टिकट करवाई है। ले टिकट भी हो गई है? ऐसे कैसे टिकट बनवा ली? पता है भारत को विदेश जाने के वास्ते ना ईजा या बीजा की जरूरत पड़े है। हाँ अरे संतोष ये बोल रही है ईजा बीजा को नहीं, बीजो सब कुछ बनाया हमारे छोरे ने। और जो बेटा तू अपना सामान सामान बांध ले बाबू को और मारा। ना मैं कटे को नहीं जा सकूं। बाबू अगर अब भी आपने कोई बहाना बनाने की कोशिश की तो हम यही समझेंगे कि आप हमसे और छोटू से प्यार नहीं करती। रे कैसे बावली जी से बात करें, माँ बाप के लिए ना सारी संतान एक समान हो गए, पर वो कनक है ना, वो अपने माँ बाप के पास कम और हमारे पास ज्यादा रहे हैं, आदत हो गई उसको मारी। हाँ ये फंसा फेंका इसने कनक वाला। अच्छा बाबू तो ये है असली बात। हाँ अब देख उसे जब तक थपकी मार करके अपनी गोदी में बिठा करके ना सुलाऊ ना तब तक वो सोवे को नहीं, उसे अपने हाथा से खाना ना खुआऊ ना तो उसको पेट को नहीं भरे। तुम दोनों ही बताओ ऐसी मासूम सी छोरी ने छोड़ करके मैं कहाँ जा सकूं? है जवाब तुम दोनों के पास? अब क्या जवाब होगा? हो गया ना चुप, शांति मिल गई। हट राम जी मैं दुबई को नहीं जा सकूं। अरे संतोष, अरे बच्चे के मन के लिए तो जाना संतोष। अर्जुन बिन्नी ये समस्या बड़ी गंभीर हो गई है और इस समस्या का हल ढूंढना ही पड़ेगा। जी बाबा साहब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, देखते कैसे नहीं जाएंगे दुबई। बाबू प्लीज चलिए ना। अरे महाराज राम जी, अरे धीरे धीरे, अरे मैं थारी तरह ना मुस्टर्ड दिखो नहीं। बाबू आप भी चलिए चलिए।
अरे ये तो को नहीं मानेगी। बैठिए। और आप क्या जिस सिटी के बजा रहे हो? और संतोष तारी सिटी बिटी गुम हो जाएगी, अब देख ले ये। अब जे के नाटक है बाबू, थोड़ा सबर कीजिए, अभी पता चल जाएगा। देख संतोष भारी जादू तो देखी। बाबा साहब वो दाहिनी तरफ वाला बटन। ये ठीक। कनक ने देख संतोष। मेहित कनक, अब करिए अपने पोता पोती से बात। बेटा दादी को जय जय करो। खुश रहे मारी लाडे सर, खुश रहे तू। पर जे सब मारा राम जी, जे सब क्या हो गयो ना? चल अब मैं चल। अरे संतोष बैठ तो, और भी तो है। बाबू देखा, आप यहाँ आंगन में बैठकर दूसरे कमरे में ऐसे बात कर पा रही हैं जैसे जैसे कनक बिल्कुल आपके सामने बैठी हो। बाबू आपको पता है, वहां विदेश में भी आप पूरे परिवार से और कनक से बिल्कुल ऐसे ही बात कर पाएंगी और ऐसे ही बिल्कुल उसको लोरी सुना पाएंगी। बाबू आजकल ये सब बहुत आम है। हाँ संतोष, तू बैठे दुबई में, ये लोग आठे पुष्कर में, आराम से बातचीत हो जाएगी, देख भी सकेगी अपनी पोती ने। तो आप के समझो, ये सब मैं को नहीं जानू, अच्छी तरीके से जानू हूँ मैं। वो मारो विदेश में एक बेटा है ना, बिरेंडन, हाँ। उसी के साथ ना संध्या बीन ने यही बात करिया करती। अंजू थारी को पता को नहीं, थारी बाबू वो तो पहुंची हुई है, मतलब पूरी दुनिया घूम चुकी है वो। तू जब दुबई जावेगी ना, थारा सारा संसार बहुत बढ़िया ढंग से सजा देगी। क्यों बाबू, मतलब क्यों संतोष? हाँ हाँ, और नहीं तो के इतना भी को नहीं जानू के सब कुछ जानू। बाबू तुम्हें हो गया फैसला के? आप दोनों हमारे साथ दुबई आ रहे हैं। ना ना रे, दो चार महीने को सवाल है, इतनी टेम मारी कनक से दूर को नहीं रह सकू मैं। बाबू हमारे पास उसका भी इलाज है के? हम एक काम करेंगे, आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आपकी एक अच्छी सी वीडियो बना लेंगे और जब जब कनक उस वीडियो को देखेगी वो आपको अपने पास महसूस करेगी। और हाँ बाबू, कनक की हम ढेर सारी वीडियो बनाकर लेकर जाएंगे अपने साथ, आपको जब भी किसी की याद आएगी आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है मैं सोचूंगी। बहुत बढ़िया संतोष, अपनी अर्जुन ने कितना बढ़िया तरीका निकाला, वैसे ही करेंगे। दादी होने के नाते मारे वास्ते ना मारे सारे पोता पोतियां बहुत लाडले हैं, पर उन सब में कनक तू बहुत ही खास है। कदे कदे मारे को अहिया लागे है कि थारा मारा कोई पिछले जन्म का नाता है, क्योंकि थारे में मारे को थारे माँ बाप की छवि दिखाई देवे। कनक बेटा बड़े होता होता ना तू अपने माँ बाप का ना मिला जुला अनूठा संगम बन, मारे सूरज की अच्छाई और संध्या बीनणी की सच्चाई मारे सूरज को ना भोलापन और संध्या बीनणी की बहादुरी इन दोनों की सारी अच्छी बातें ना अपने मिठा लेना। जे हमारे को मारे सूरज पर गर्व है ना, भैया तू भी अपने माँ बाप का नाम ना पूरी दुनिया में रोशन करना। बाबू अनर्थ हो गया। क्या हुआ? पता है क्या हुआ? ओ बाबू, वो जो घाट वाले मंदिर है ना, उसमें ना देवी की जो मूर्ति है ना, वो चोरी हो गई।
बाबू सब लोग यही कह रहे हैं कि अब घाट पे आरती को नहीं होगी। होगी भी कैसे, मूर्ति को नहीं। बाबू ये वाली खबर है ना टीवी पे भी आ रही है, चलो ना टीवी देखते हैं। जी हाँ ये बात सही है कि घाट मंदिर से देवी माता की मूर्ति चोरी हो गई। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, देव माता की मूर्ति चुराने वाले अपराधी हमारी गिरफ्त में। चोरों ने बहुत चालाकी दिखाई, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि पुष्कर पुलिस को बेवकूफ बनाना संभव नहीं। मैंने बहुत गहरी जांच पड़ताल की, क्योंकि मुझे शक था कि ये काम कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मंदिर के ट्रस्टी ने भक्तों की आस्था के साथ धोखा करते हुए मूर्ति चुराई। फिर जो हुआ सो हुआ, खुशी की बात यह है कि ये केस इतनी जल्दी कम समय में सॉल्व हो गया। हम देव माता की मूर्ति फिर से स्थापित करने वाले हैं, और घाट आरती इस बार उसी रौनक और उसी धूम के साथ मनाई जाएगी जिस तरह हर साल मनाई जाती है। पुष्कर पुलिस आपको भी धन्यवाद करती है, आप सबकी सेवा के लिए, आप सबकी सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर। जय। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। लेकिन जे वाली बात अगर जेठानी जी बोलती तो बात ही कुछ और होती। सच बता रही हूँ, जे अर्पिता मैडम भी ना बड़ी होशियार है, तो कैसे काबू में कर लिया। लेकिन अगर ये हर बार नारद मुनि की भाषा बोलनी जरूरी है क्या? रे चोर किसने पकड़ा, उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि देवी माँ की मूर्ति ना वापिस आ गई। रे हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें देवी दर्शन के पुण्य मिलेंगे। चलो चलो घाट आरती के दर्शन की ना तैयारी करो। आज हमारे सूरज और संध्या और हमारे पूरे परिवार के वास्ते ना बहुत ही खास दिन है। जय हो मैया की, चल जल्दी करो। हाँ जी बात तो ठीक है, लेकिन अगर जिठानी जी करती ना तो बात तो कुछ और। देवर बीच में ही बोलेगी तू को नहीं सुधरेगी। बाबू मारा। अरे क्या था? हे भगवान ये क्या हो गया? चेक ही कर दिया आपने, घाट की आरती के लिए जो दिया बाती तैयार किए थे वो तो अब खंडित हो गए। तो बहुत बड़ा अपशगुन है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।